Hello everyone, welcome to Abhyarthi IAS, Day 23 of Target UPSC Prelims MCQs 2024. Let us begin. Often seen in news, the Global Stock Take, GST, is simply described as a comprehensive assessment of world's progress on climate action, a comprehensive assessment of the loss of biodiversity across the world, a comprehensive assessment of the freshwater resources of the world, a comprehensive assessment of the average concentration of carbon dioxide in the atmosphere. And the answer is A. Global Stock Take, which is often seen in news. It is a comprehensive assessment of the world progress on climate action. Global Stock Take basically ye fundamental part hai 2015 ka jo Paris Agreement hua tha, which deals with the climate change and increasing global warming due to human induced climate change. Basically Global Stock Take mein 5 yearly assessments li jati hain ki world ne kitni progress kar li hai in addressing the climate change. क्योंकि 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में कुछ कमिटमेंट्स ली थी वेरियस कंट्रीज ने, जैसे कि इंडिया ने नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशंस के लिए बोला था, एंड अंडर दीज कमिटमेंट्स वर्ल्ड की वेरियस कंट्रीज ने क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए कुछ नेशनल लेवल पे अपने टारगेट्स रखे थे कि वी विल अचीव सर्टेन टारगेट्स इन ऑर्डर टू डिक्रीज द इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट. और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर 5 साल बाद ग्लोबल स्टॉक टेक लिया जाता है, जिसमें ये असेसमेंट की जाती है कि कितने लेवल पर ये जो हमारे कमिटमेंट्स वेरियस कंट्रीज ने दी थी उनको इम्प्लीमेंट करने में दीज गोल्स आर इफेक्टिव टू डील विद द क्लाइमेट चेंज. एंड ग्लोबल स्टॉक टेक में ये भी बताया जाता है कि क्या क्या एक्शंस जो अभी हम ले रहे हैं एट प्रेजेंट कंट्री लेवल पे या ग्लोबली, वो क्या कितने इफेक्टिव हैं एंड वो कितने सफिशिएंट हैं टू डिक्रीज एंड टू कर्व द क्लाइमेट चेंज. फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक की रिपोर्ट जो थी इट वाज रिलीज्ड इन अक्टूबर 2023 एंड इट वाज कंक्लूडेड एट द कॉप 28 व्हिच हेल्ड इन दुबई इन दिसंबर 2023. एंड इस स्टॉक टेक में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सामने आई वो ये थी कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है इट इज़ नॉट on the track to achieve the goals which are set in under the Paris Agreement. और इस रिपोर्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एंड क्या क्या सोल्यूशंस हैं इन ऑर्डर टू ब्रिज दीज गैप्स एंड लूपहोल्स, ये भी आइडेंटिफाई किए गए. वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच हैज़ टू बी नोटेड इज दैट इंडिया ने COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इसको साइन नहीं किया है, एंड इंडिया ऑल्सो स्किप्ड द साइनिंग ऑफ द प्लेज टू कमिट टू ट्रिपलिंग द ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030. तो ये दोनों चीज़ें, एक तो डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ एंड मोर ओवर जो प्लेज था कि ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बाय 2030 इसको हम 3 times बढ़ा देंगे, ये दोनों चीज़ें इंडिया ने साइन नहीं की हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सह्याद्री टाइगर रिजर्व विच वॉज इन न्यूज ड्यू टू ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर्स फॉर्म्स अ कॉमन बाउंड्री बिटवीन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. And the answer is B, that is the Sahyadri Tiger Reserves form the boundary between Maharashtra, Goa and Karnataka. Ab state government of Maharashtra decided to translocate tigers to the Sahyadri Tiger Reserve. Basically Sahyadri Tiger Reserve mein jo tiger ki population thi it started declining and उसको ही रिवाइव करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व में खंडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से कुछ टाइगर्स को ट्रांसलोकेट करने का डिसीजन लिया. सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का वेस्टर्न रीजन का अकेला टाइगर रिजर्व है एंड इट इज लोकेटेड इन द नदरन वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स को कोंकण एंड महाराष्ट्र रीजन में बेसिकली सह्याद्री भी कहा जाता है एंड ये कॉमन बाउंड्री बनाते हैं बिटवीन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा. यहाँ पे एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. सह्याद्री टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व है वेस्टर्न महाराष्ट्र का एंड इट इज़ द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड ये बेसिकली 2 प्रोटेक्टिव एरिया को कवर करता है विच आर कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड चंदौली नेशनल पार्क. यहाँ पे शुरू से ही वैसे तो टाइगर की पॉपुलेशन कम थी ड्यू टू पॉचिंग, पुअर प्रे बेस एंड चेंजिंग हैबिटेट ड्यू टू ह्यूमन एनक्रोचमेंट. सह्याद्री टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो बेसिकली फेमस है क्योंकि उसके अराउंड कोयना डैम, वॉर्ना रिवर एंड मैनी अदर स्मॉल रिवर्स एंड स्ट्रीम जो कि ओरिजिनेट होते हैं वेस्टर्न घाट से वो इसके अराउंड फ्लो करती हैं.
सह्याद्री टाइगर रिजर्व का वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर क्या है कि यहाँ पे न्यूमरस बेरन रॉकी एंड लेटराइट प्लेट्यूज मिलते हैं जिनको सादास बोला जाता है। मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो बट आप प्लीज उसको इग्नोर करना। और जो दूसरे टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र के स्टेट में है वो है मेलघाट, बोर, नावेगांव, नागजीरा, पेंच, टडोबा, अंधेरी। इंडिया में टाइगर के ट्रांसलोकेशन का प्रोजेक्ट बेसिकली 2008 से स्टार्ट हुआ जिसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व में 2008 में ट्रांसलोकेट किए गए एंड पन्ना टाइगर रिजर्व में 2009 में ट्रांसलोकेशन के प्रोजेक्ट एंड री इंट्रोडक्शन के प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए। सह्याद्री कोंकण कॉरिडोर जिसको सह्याद्री राधानगर गोवा कर्नाटका कॉरिडोर भी कहा जाता है, इट इज़ वेरी क्रोशियल फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ टाइगर पॉपुलेशन बेसिकली इन नदर्न वेस्टर्न घाट्स में। अब ये जो कॉरिडोर्स होते हैं ना बेसिकली ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज को कनेक्ट करते हैं जहाँ पे जो एक स्पीसीज की पॉपुलेशन है वो ईजिली अपना एरिया मार्क कर सकती है एंड उसमें ईजिली ग्रो कर सकती है। एंड सह्याद्री कोंकण कॉरिडोर इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू द टाइगर्स ऑफ काली टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका, टू द फॉरेस्ट इन गोवाज हिंटरलैंड एंड इट फर्दर कनेक्ट्स टू द राधानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स इन द सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स का कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स या कंजर्वेशन ऑफ किसी भी स्पीशीज में क्या एक रोल है वो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली कॉरिडोर्स होते क्या हैं, दे आर हैबिटेट्स एंड पाथवेज विच कनेक्ट वेरियस वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस जो कि अदरवाइज आर फ्रेगमेंटेड एंड सेगमेंटेड ड्यू टू ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स। ये कॉरिडोर बेसिकली दे आर वेरी क्रूशियल फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ टाइगर पॉपुलेशन बिकॉज इन कॉरिडोर्स में क्या होता है कि एक एक्सचेंज ऑफ जीन फ्लो बना रहता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एक पॉपुलेशन है किसी भी स्पीसीज की वो एक एरिया में कन्फाइंड होकर ना रह जाए, इसकी वजह से क्या है कि वाइड कॉरिडोर्स बना दिए जाते हैं कि जो एक एरिया की पॉपुलेशन है वो दूसरे एरिया के पॉपुलेशन से कम्युनिकेशन उनकी होती रहे एंड उनको बेसिकली एक बड़े लेवल पे उनका हैबिटेट भी मिल जाए जिसमें वो इजिली ग्रो कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि ये देखा जाता है कि जब मेटिंग सीजन होता है तो टाइगर्स जो होते हैं बेसिकली वो अपनी होम रेंज को छोड़ के दूसरे रेंजेस में जाके भी अपने मेटिंग पार्टनर्स को ढूंढते हैं एंड बेसिकली अगर ऐसे कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं तो इनका मेन पर्पस ये होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी है ऑफ अ स्पीशीज उसको इंक्रीज किया जा सके बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल कंडीशंस ऑफ सर्वाइवल सच एज फूड, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज की कमी ना हो उस पॉपुलेशन को। Moreover, one of the main reason to make these corridors is to reduce human-animal conflict. इसमें क्या है कि क्योंकि अभी human की population बढ़ रही है and human encroachment बढ़ रही है in wildlife areas, तो वहाँ पे क्या है कि इस encroachment को ध्यान में रखते हुए कि human और animal के बीच जो conflict बढ़ रहे हैं जिसमें क्या है कि देखने को मिलता है कि जो तेंदुए और टाइगर्स वगैरह लेपर्ड वगैरह होते हैं वो human के settlements में घुस जाते हैं एंड वहाँ पे conflict start हो जाता है फॉर द कंटेनमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। तो इसमें क्या है इसकी कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए ये बेसिकली कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिसमें जैसे कि एक नेशनल हाईवे 7 है उसमें एक ओवर पास बनाया गया है टू प्रोटेक्ट द माइग्रेटरी रूट ऑफ टाइगर विच बेसिकली प्रोटेक्ट्स द कनेक्ट्स द काना एंड पेंच टाइगर रिजर्व। तो 2014-15 में भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसने 32 मेजर टाइगर कॉरिडोर्स को मैप किया था इन द कंट्री विच आर अक्रॉस द 4 ब्रॉड टाइगर लैंडस्केप विच आर फाउंड इन इंडिया। एंड ये 4 ब्रॉड टाइगर लैंडस्केप कौन से हैं जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन मेनली देखी जाती है, इट इज शिवालिक हिल्स एंड जनजाइटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी क्यों है क्योंकि इसको एस्टेब्लिश किया गया था इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड एज पर द 5th साइकिल ऑफ द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ऑफ 2022 इंडिया इज होम टू मोर देन 70% ऑफ द वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। यूपीएससी आजकल थोड़ा ट्रिक करके पूछता है इस क्वेश्चन को, तो यूपीएससी कैन ऑल्सो आस्क कि इंडिया में मोर देन 3/5 ऑफ द वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पाई जाती है। 3/5 होता है बेसिकली 60%, तो यस इंडिया में मोर देन 70% पाई जाती है, तो मोर देन 60% भी सही है, मतलब 3/5 भी सही होगा इसका आंसर। एंड एज पर द 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ द टाइगर रिजर्व विच वॉज कैरिड फॉर द 51 टाइगर रिजर्व एंड दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज ड्यूरिंग द ग्लोबल टाइगर डे इवेंट ऑफ 2023 इन उत्तराखंड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बेसिकली इट अंडरटेक्स मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ द टाइगर रिजर्व। इसमें ये देखा जाता है कि कितनी इफेक्टिव
वे से टाइगर रिजर्व को मैनेज किया जा रहा है। बेसिकली ये जो MEE असेसमेंट होती है, इट टुक प्लेस एट द इंटरवल ऑफ 4 ईयर्स। 2023 में 6 टाइगर रिजर्व, जिनका नाम है काली, मेलघाट, नावेगांव, नागजीरा, पीलीभीत एंड पेरियार, इनको अवार्ड किया गया बाय कैट्स एक्रीडेशन, CATS भी बोला जाता है जिसको। सो फार 23 टाइगर रिजर्व हैं जो इंडिया के, उनको कैट्स एक्रीडेशन मिल चुका है। तो कैट्स एक्रीडेशन पहले भी UPSC ने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो अगर पूछ लिया जाए कि कैट्स एक्रीडेशन इज रिलेटेड टू, सो इट इज रिलेटेड टू टाइगर कंजर्वेशन। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, इट इज रिकोगनाइज एज अ न्यू टाइगर रिजर्व एंड इट इज इंडियाज 54 टाइगर रिजर्व। 55th टाइगर रिजर्व भी एस्टेब्लिश कर दिया गया है एंड इट इज एस्टेब्लिश इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एज धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेरियम ओलियंडर। द प्लांट हैज फाउंड रेफरेंस इन चरक संहिता ड्यू टू मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इन केरला द प्लांट इज नोन बाय द नेम्स ऑफ अराली एंड कन्नावीरम। Despite being highly toxic, oleander flowers are widely used across Kerala in temples for pujas and various celebrations. How many of the statements are correct? And the answer is D. That is, all of the statements given above are correct. Recently, Kerala government has banned the oleander flowers in temple offering. Nerium oleander, it is an evergreen shrub. And it belongs to dogbane family of Apocynaceae. इसको commonly बोला जाता है oleander या rose bay. And this evergreen plant is cultivated worldwide in tropical, subtropical as well as temperate regions. ये basically एक decorative flower होता है. It is also drought tolerant. जिसको ornamental and landscaping purposes के लिए use किया जाता है। केरला में इसको अराली या फिर कन्नावीरम के नाम से भी जाना जाता है। And it is grown along the highways and beaches as a natural and green fencing. The plant of Nerium oleander basically ऐसा दिखता है। इसमें क्या होता है कि ये इसको आपने काफी बार देखा होगा कि हाईवेज के साइड्स पे ग्रीन बेल्ट लगाने के लिए ये प्लांट को लगाया जाता है, क्योंकि ये बेसिकली ग्रीन फेंसिंग में काफी हेल्प करता है। Nerium oleander के फ्लावर में हाईली पॉइजनस कार्डियक केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे हार्ट को, जैसे कि ओलियंट्रिन, नेरिन, डिजिटॉक्सीजेनिन एंड सो ऑन। इसमें जो ओलियंट्रिन है ये प्रिंसिपल टॉक्सिन होता है जो कि कार्डियक हेल्थ को इफेक्ट करता है। मोर ओवर इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस सिम्टम्स सच एज नोसिया, डायरिया, वॉमिटिंग, रैशेज, कन्फ्यूजन, डिजीनेस, इरेगुलर हार्ट बीट एंड एक्सट्रीम केसेस में डेथ के केसेस को भी रिपोर्ट किया गया है। However, कुछ invertebrates होते हैं, they are infected by the oleander toxins and they basically feed on oleander plants, जैसे कि polka dot wasp moth के caterpillars. But despite being highly toxic, oleander के flowers they are widely used across the state of Kerala for in temples for puja, festival and various celebrations. Nerium oleander की medicinal properties भी काफी हैं, जैसे it is used to treat cancer, hyperglycemia in Indian subcontinent, Turkey, Morocco and China. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India, ये government document है जो describe करता है the quality, purity and strength of drugs which are used in Ayurveda. इसमें भी oleander को mention किया गया है। Basically इसका जो oil होता है, जो इसकी root bark से prepare किया जाता है, it is used to treat various skin diseases. This plant is basically frequently described in various Brihatriyas, Nighantus and other classical Ayurvedic texts. चरक ने चरक संहिता में भी इस प्लांट के लीव्स को डिस्क्राइब किया है कि ये एक्सटर्नली दे आर यूज्ड इन क्रॉनिक एंड ऑब्स्टिनेट स्किन डिजीजेस सच एज लेप्रोसी। भव प्रकाश में इस प्लांट को करवीरा के नाम से जाना जाता है। इसको एज अ विष पॉइजन की तरह डिफाइन किया गया है। इसका यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस इन्फेक्टिव वूंड्स, कुष्ठ रोग, मतलब कि जो स्किन की डिजीजेस होती हैं जैसे कि लेप्रोसी, and to treat various microbial and parasitic disease. Bhav Mishra, इन्होंने भव प्रकाश लिखा था, he was an Indian physician in the 16th century. Next question, consider the following statements. No Indian judgment has used the term ecocide in passing. There is no accepted legal definition of ecocide around the world.
The Rome Statute of United Nations International Criminal Court does not include ecocide. How many of the statements given above are correct? And the answer is B. So what the word ecocide, it is derived from Greek and Latin language. Basically, इसका मतलब होता है किसी के घर को या उसके environment को खत्म करना. इसको wildlife habitat destruction के context में use किया जाता है, such as जैसे कि कोई भी infrastructure projects हों, जैसे कि port expansion के लिए fragile marine environment को destroy कर देना, या फिर local livelihoods को खत्म कर देना, deforestation, illegal sand mining, polluting the rivers with untreated sewage. तो बेसिकली इसकी कोई लीगल डेफिनेशन तो अभी तक नहीं है, बट इट इज एक्सेप्टेड एज अ क्राइम इन 11 कंट्रीज एंड वेरियस 27 अदर नेशंस में भी इसके अराउंड कुछ एनवायरमेंटल लॉज बने हुए हैं, विच डिस्क्राइब की इकोसाइट में जो एनवायरमेंटल डैमेज होता है, विच इज विलफुली कॉज्ड एंड इट हार्म्स ह्यूमंस, एनिमल एज वेल एज प्लांट स्पीसीज. यूरोपियन पार्लियामेंट में 2023 में यूनैनिमसली एक वोट किया गया कि इकोसाइट को विद इन द लीगल स्टेट्यूज इसको इंक्लूड किया जाए. एट प्रेजेंट जो रोम स्टेट्यूट है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, इट डील्स विद फोर एट्रोसिटीज विच आर बेसिकली जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड ए क्राइम ऑफ एग्रेशन. इसमें जो प्रोविजन ऑन वॉर क्राइम्स है, ये अकेला स्टेट्यूट है विच होल्ड्स अ परपेट्रेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल डैमेज विच इज कॉज इंटेंशनली ड्यूरिंग द वॉर टाइम सिचुएशन. मतलब कि वॉर टाइम पे अगर कहीं भी इन्वायरमेंट को डैमेज किया जा रहा है इंटेंशनली, तो उसको प्रोविजन ऑन वॉर क्राइम्स के अंडर डील किया जाएगा. बट अदरवाइज अगर रेगुलर टाइम्स में या फिर नॉर्मल टाइम्स में कहीं पे भी इन्वायरमेंट को डैमेज किया जाता है, तो उसको प्रोविजन ऑन वॉर क्राइम्स के अंडर डील नहीं किया जाएगा. बायोलॉजिस्ट आर्थर गर्स्टन ने 1970 में लिंक किया था इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को जेनोसाइड से, क्योंकि जैसे जेनोसाइड में एक पॉपुलेशन की एथनिक क्लेंजिंग की जाती है, बेसिकली वैसे ही इकोसाइड में इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करके जो वहाँ की पॉपुलेशन होती है, जो वहाँ की हैबिटेट होते हैं, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन होती है, उनकी एनाइलेशन की जाती है. तो एज पर बायोलॉजिस्ट आर्थर गार्स्टन, इट मस्ट बी रिकोगनाइज एज एन इंटरनेशनल क्राइम. द टर्म इकोसाइड हैज ऑल्सो बीन यूज इन वेरियस जुडिशियल जजमेंट्स ऑफ इंडियन कोर्ट्स, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरह हमारे लॉज में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है. जैसे कि मद्रास हाईकोर्ट ने इन चंद्रा CFS टर्मिनल ऑपरेटर वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड अदर केस में इकोसाइड की प्रोहिबिटरी एक्टिविटीज को मेंशन किया था. मोर ओवर रिसेंटली TN गोदवर्मन तिरुमल पाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्ग्यू किया कि इन्वायरमेंटल जस्टिस इट कुड बी अचीव्ड ओनली इफ वी ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ एथनोपोसेंट्री टू इकोसेंट्रिक. बेसिकली ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच से हटके वी हैव टू अडॉप्ट इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सेंट्रिक अप्रोचेस, जिसमें क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को प्रिजर्व किया जा सके अलॉन्ग साइड ह्यूमन डेवलपमेंट. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड अदर स्टेट इनेक्टेड लॉज, इसके ऊपर कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है. And it basically cannot provide any order regarding the crimes undertaken under the Wildlife Protection Act or Forest Act of 1927. Mexico ka Maya train project was very much in news kyunki isko mega project of death bhi kaha ja raha hai, kyunki ye Yucatan Peninsula jo ki Mexico mein hai uski jo wildlife hai usko disrupt karke uske ancient cave system ko and indigenous community ko affect karega. To kaha ja raha hai ki is project ke andar crimes of ecocide and ethnocide are committed. इसमें जो ज्योग्राफिकल लोकेशन निकल के सामने आ रही है वो है यूकटन पेनिनसुला, विच बेसिकली सेपरेट्स द गल्फ ऑफ मेक्सिको फ्रॉम द कैरेबियन सी. मायन इंडियंस बेसिकली आर द एथनिक पॉपुलेशन ऑफ द यूकटन पेनिनसुला. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन फ्यूल्स अलायंस ऑफ इंडिया GFAI इज अ कोलेबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, इंडिया एंड रशिया और इंडिया एंड डेनमार्क. एंड द आंसर इज इंडिया एंड डेनमार्क, डी. ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI, ये इंडिया और डेनमार्क के बीच में एक कोलेबोरेशन है ताकि सस्टेनेबल एनर्जी की ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके. ये अनाउंस कब किया गया था? इट वॉज अनाउंस बाई डेनमार्क एट द ग्लोबल इन्वेस्टर मीट ऑफ 2024 इन ऑर्डर टू एडवांस द ज्वाइंट ग्लोबल गोल टूवर्ड्स द कार्बन न्यूट्रलिटी. ग्रीन फ्यूल अलायंस का बेसिकली इसका नाम जैसे आपको पता चल रहा होगा कि इसमें रेन्यूबल सोर्सेज एंड ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा, जिसमें कि आती है हमारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड अदर सोर्सेज ऑफ रेन्यूबल एनर्जी.
इसका मेन गोल क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो जहाँ पे कोऑपरेशन बिटवीन कंपनीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट बॉडीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कोऑपरेशन बन सके एंड वो कोलैबोरेट कर सके रिलेटेड टू दीज ग्रीन फ्यूल्स। ग्रीन फ्यूल अलायंस के एडवाइजरी बोर्ड में डेनिश एनर्जी एजेंसी, एनर्जी कंसोर्टियम ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, द स्टेट ऑफ ग्रीड एंड इंडिया हाइड्रोजन अलायंस, ये इसके एडवाइजरी बोर्ड पे मेंबर्स हैं। बेसिकली ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया ये पार्ट है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का विच वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क इन 2020। एडिशनली डेनमार्क जो है इट हैज टॉप द ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस रैंकिंग ऑफ 2024 एंड इट इज ऑल्सो ऑन द पार्ट टू अचीव कार्बन न्यूट्रैलिटी बाई 2050। यहाँ पे एक टर्म बार बार यूज हो रही है विच इज कार्बन न्यूट्रैलिटी। तो कार्बन न्यूट्रैलिटी बेसिकली होता क्या है कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उसमें जो भी कार्बन की एमिशन होती है उसका आउटपुट एंड जो भी कार्बन हम उसमें बेसिकली सिक्वेस्टर कर रहे हैं या कार्बन उसमें बचा रहे हैं, तो उन दोनों का जो एक बैलेंस है उसको बनाए रखना एंड एक न्यूट्रल स्टेट में उसको ले जाना। एक्टिविटीज ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज हैं उसमें जो कार्बन इमिशन होती हैं उनका कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े एंड उससे जो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन अभी बन रही है उसको डील करने में हेल्प मिल सके। इंडिया वॉज रैंक्ड एट 7th इन द 2024 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इट वॉज रिलीज ड्यूरिंग COP28 इन दुबई इन डिसम्बर 2023 एंड इंडिया ऑल्सो हैज द हाइएस्ट स्कोर अमंग G20 मेंबर्स। क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है। इंडिया के जो नेशनली डिटर्मिंड कॉन्ट्रीब्यूशन है NDCs है इनको अगर अचीव करना है तो रेन्यूएबल एनर्जी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मोर ओवर ग्रीन एनर्जी पाथवेज जैसे कि हाइड्रोजन एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल्स हो गए, तो ये आर ऑल्सो वेरी मच सिग्निफिकेंट फॉर अचीविंग द नेशनल डिटर्मिंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑल्सो एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एंड इंडिया की इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन द क्रूड ऑयल इसको रिड्यूस करने के लिए भी रेन्यूएबल एनर्जी इज द की। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बेसिकली ये एक इंडिपेंडेंट टूल है जो मॉनिटर करता है क्लाइमेट प्रोटेक्शन एफर्ट्स ऑफ 63 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन विच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 90% ऑफ ग्लोबल कार्बन इमिशंस। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इट इज पब्लिश एनुअली बाय जर्मन वॉच इन कोलैबोरेशन विद द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर डिस्कशन। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू भारतीय IAS।